हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर लर्निंग इंग्लिश विद बीएम शर्मा दाइज आरबीएसई क्लास 10 इंग्लिश। वी आर रीडिंग द बुक रेजोल्यूशन, सेकंड बुक, लेसन नंबर 6, पार्ट 4, फीस्ट ऑफ द डेड, मृत की दावत। मृतक के यहाँ पर उसकी मृत्यु के बाद किस प्रकार से भोजन बच्चों को मिलता है, उसको लेकर के एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी से भरी हुई ये कहानी है। तो इसके अभी तक हमने कहानी जो थी उसमें बच्चा जो है, बड़ा बच्चा राशन लेने के लिए जाता है दुकान पर, उसके पास पैसे नहीं हैं, घर पे पैसे नहीं हैं, तो वो इस तरह से दिखावा करता है जैसे उसके पैसे घर पर भूल गया हो, लेकिन दुकान वाला पहचान लेता है। और क्या कहता है दुकान वाला, जो ग्रोसर है वो उससे क्या कहता है, जानते हैं आज के पार्ट 4 में। फर्स्ट ब्रिंग द मनी, पहले पैसे लाओ, देन यू कैन टेक द गुड्स, तब आप गुड्स ले सकते हो, वस्तुएं ले सकते हो, सामग्री ले सकते हो। यू हैव बिकम सो थिन, तुम इतने पतले हो गए हो। समवन हु हैज मनी एट होम, ऐसा व्यक्ति जिसके घर पर पैसे हो ना, डज नॉट गेट सो थिन, वो इतना पतला नहीं होता है। ध्यान से समझिए, यहाँ एक बात कह रहे हैं किराने वाले कि तुम इतने पतले पड़ रहे, सूख रहे बुरी तरह से, इसका मतलब तुम्हारे घर पर पैसे नहीं हैं। जिनके घर पर पैसे होते हैं वो इतने ज्यादा पतले नहीं पड़ते हैं। द बॉय हैरिड आउट, लड़का जल्दी से गया, एम्बेरस्ड, शर्मिंदा होकर के, टू हैव हिज लाई फाउंड आउट, अपने लाई यानी झूठ को फाउंड आउट जानने के लिए लड़का जो था वो जल्दी से गया। द बॉय हैरिड आउट, एम्बेरस्ड, टू हैव हिज लाई फाउंड आउट, कहने का मतलब उसके झूठ को पकड़ा जाना, फाउंड आउट पकड़ा गया था, झूठ उसका पता चल गया था, इस वजह से एम्बेरस्ड, शर्मिंदा होकर के वो जल्दी से घर गया। ही फाउंड द आइसीनेस, उसे बर्फीलापन मिला ऑफ द स्ट्रीट, गली का, यानी गली की ठंड उसने महसूस की, गली का बर्फीलापन उसने महसूस किया, मोर अनबेरेबल, जो अधिक असहनीय था, देन ही हैड, जितना कि उसने किया था बिफोर द एंड, बिफोर ही एंटर्ड द स्टोर, स्टोर यानी दुकान में प्रवेश करने से पहले जो उसको ठंड लगी ना, उससे भी ज्यादा ठंड लग रही थी, कारण उसको स्टोर के अंदर की गर्मी का एहसास हो गया था, तो अब बाहर की ठंड और ज्यादा ठंडी लग रही है। एट द कॉर्नर, कोने में, ही सॉ स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी, कोने में उसने चिमनी में से आता हुआ धुआं देखा, द व्हाइट हाउस, तो व्हाइट हाउस जो है सफेद घर, सफेद कोठी, तो उसके घर की चिमनी में से बाहर आता हुआ धुआं देखा। चिमनी का मतलब है यहाँ पर खाना अंदर पक रहा होगा, इसका धुआं बाहर आ रहा था। हाउ हैप्पी वर द पीपल, वो लोग कितने खुश हैं, वो लोग कितने खुश थे हु लिव्ड इन इट, जो इसमें रहते थे। इट डिड नॉट अकर टू हिम, उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, टू बी जेलस ऑफ देम, यानी उनसे ईर्ष्या नहीं हुई बच्चे को, बच्चे ने देखा उनके घर की चिमनी में धुआं निकल रहा है, इसका मतलब भोजन पक रहा है, तो वो लोग कितने खुशकिस्मत होंगे, कितने सुख हों, खुश होंगे, इस बात से उसको बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं हुई। ही हैड ओनली एडमिरेशन, उसके मन में केवल एडमिरेशन यानी प्रशंसा थी, फॉर दीज पीपल, इन लोगों के लिए, हु हैड गिवन हिम द बेस्ट मील ऑफ हिज लाइफ, जिन्होंने उसके जीवन का सबसे अच्छा भोजन उसके लिए दिया था, इस वजह से उन लोगों के प्रति प्रशंसा का भाव था बच्चे के मन में। ही वॉक्ड होम, वह चल करके घर गया, एज फास्ट एज ही कुड, जितना जल्दी वह कर सकता था उतना जल्दी, एज टीथ, और उसके जो दांत थे चैटरिंग, चैटरिंग का मतलब है कट कट कर रहे थे, बज रहे थे, देयर वॉज नो नीड टू से एनी थिंग, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी टू हिज मदर, उसकी माँ से, एंड ब्रदर, भाई से, माँ और भाई से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो देखते ही समझ गए थे कि क्या मामला है, कुछ मिला है या नहीं मिला है।
हिज एम्प्टी हैंड्स, उसके जो खाली हाथ थे बच्चे के, टोल्ड देयर ओन स्टोरी, उन्होंने उसकी खुद की कहानी बयान कर दी। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ, उसने अपने कपड़े उतारे, एंड वेंट टू हिज बेड, अपने बिस्तर में चला गया। एंड व्हेन ही स्पोक, जब वह बोला, ही सेड, उसने कहा, आई एम कोल्ड, मैं ठंडा पड़ रहा हूँ, आई एम कोल्ड, मैं ठंडा पड़ रहा हूँ। द ब्लैंकेट रोज, कंबल बढ़ गया, फेल ऑन हिज ट्रेम्बलिंग बॉडी, उसकी ट्रेम्बलिंग बॉडी यानी कप कपाते हुए शरीर के ऊपर गिर गया। कहने का मतलब है उनके पास और भी कंबल उसकी बॉडी पर डाल दिए थे, ठंड लग रही थी उसको काफी। गुलनाज पाइल्ड ऑन हिम वॉट एवर शी कुड फाइंड, गुलनाज ने फाइल यानी ढेर लगा दिया उसके ऊपर, वॉट एवर शी कुड फाइंड, जो उसको मिल सकता था। घर में बच्चे की माँ गुलनाज को जो कुछ मिला वो बच्चे के ऊपर डाल दिया, जिससे सर्दी नहीं लगे। द ट्रेम्बलिंग, और जो उसकी कपकपाहट थी, लास्टेड फॉर नियरली 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे तक चली। देन केम द फीवर, उसके बाद बुखार आ गया, एंड द एग्जॉस्टेशन, और उसके बाद थकान। द बॉय ले ऑन हिज बैक, लड़का उल्टा लेटा हुआ था, मोशनलेस, गति रहित होकर के, हिज आईज, और उसकी आंखें स्टियरिंग वैकेंटली, खाली खालीपन में, ये खालीपन के साथ घूर रही थी, स्टेयरिंग घूर कर देख रही थी। गुलनाज लिफ्टेड द कवर्स, गुलनाज ने कवर्स को हटाया, कवर को, ढकने वाले कपड़ों को हटाया, एंड ट्राई टू कूल, और कोशिश करी ठंडा करने की, कूल करने की, द बर्निंग बॉडी, जलते हुए शरीर को, विद हर कोल्ड हैंड्स, अपने ठंडे हाथों से। तो बच्चे की माँ ने अपने ठंडे हाथों से लड़के के जलते हुए, गर्म होते हुए शरीर को ठंडा करने की कोशिश करी, क्योंकि उसको बुखार चढ़ रहा था। शी पेस्ड थ्रू द हाउस, वह घर में टहल रही थी, टिल इवनिंग, शाम तक टहलती रही, डेस्परेट, निराशा के साथ शाम तक घर में वहीं टहलती रही कि क्या करें क्या ना करें। शी डिड नॉट नो वॉट टू डू, वो नहीं जानती थी क्या किया जाए। शी कुड नॉट थिंक, वह सोच नहीं सकी। द सन वेंट डाउन, सूरज ढल गया था, शाम हो गई थी। शी नोटिस्ड, उसने गौर करके देखा, गौर किया, द स्मॉल पाइल, छोटा सा ढेर, और कवर्स, कवर्स का, शी हैड टेकन ऑफ द बॉयज बॉडी, जो उसने लड़के के शरीर से उतारा था, परत या चादर वगैरह थी, उन सब के ढेर पर उसने गौर किया। वुडंट देयर बी एनीबडी, क्या कोई ऐसा नहीं है, टू गिव सम मनी, जो पैसे दे सके, फॉर ऑल दैट, उस सब के लिए, बच्चा बीमार है खाने के लिए नहीं है, तो क्या कोई ऐसा नहीं है जो पैसे दे सके, इस सब के लिए। इस सब के लिए का मतलब है, यहाँ पर हो सकता है उसके माइंड में ये विचार चल रहा हो कि जो कंबल या चादरों का ढेर है ना, इस सब के बदले में कोई पैसे दे दे, आज तो भोजन मिल जाए। सी रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, हर नेबर्स, उसके पड़ोसी, हैड टॉक्ड ऑफ जंक स्टोर, वो एक जंक स्टोर के बारे में बात करते थे। जंक स्टोर का मतलब जहाँ पर सेकेंड हैंड चीज़ें या पुरानी वस्तुएं या ख़राब चीज़ें भी मिलती थीं। वेयर दे बॉट यूज थिंग्स, जहाँ वे पुरानी चीज़ें खरीदते थे, घर पे कम्बल चादर इन सबको बेच करके खाने के लिए तो मिल जाए, तो जंक स्टोर है इस तरह की दुकान जहाँ पुरानी चीज़ों का खरीद फरोख्त होती है। बट इट मस्ट बी क्लोज, लेकिन ये बंद हो गई होगी निश्चित रूप से। शी वुड हैव टू वेट टिल द मॉर्निंग, उसे सुबह तक का इंतजार करना होगा। विद दिस डिसीजन, इस निर्णय के साथ, केम पीस ऑफ माइंड, उसके दिमाग में शांति आई कि सुबह तक इंतजार करते हैं। शी स्टॉप्ड पेसिंग, उसने टहलना बंद कर दिया। सेट डाउन, बैठ गई, बाय हर सन्स बेड साइड, अपने बच्चे के बिस्तर के बगल में बैठ गए कि सुबह देखते हैं, सुबह कहीं इस पुराने कंबल चादर वगैरह को बेच करके खाने का सामान ले आएंगे। द बॉयज फीवर इंक्रीज्ड, लड़के का जो फीवर बुखार था इंक्रीज, वह बढ़ गया। शी सेट, वह बैठ गई, स्टीयरिंग, घूरते हुए बैठी थी वहां पर, घूर कर देख रही थी, मोशनलेस, बिल्कुल अस्थिर भाव से, सॉरी, स्थिर भाव से अविचलित हुए घूर करके देख रही थी। द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप, छोटा लड़का सो नहीं पाया,
फॉर हंगर, भूख की वजह से छोटा बच्चा सो नहीं पाया। ही टू वॉज वॉचिंग, वो भी देख रहा था, हिज आईज ओपन, अपनी आंखें खोल करके। द सिक बॉय, बीमार लड़का, यानी जो बड़ा लड़का था, मौन्ड स्लोली, वह धीरे धीरे कराह रहा था, मौन कर रहा था, दर्द महसूस हो रहा था उसको। एंड टॉस्ड, और करवट बदल रहा था, टॉस होता है करवट बदलना यहाँ पर। एंड टर्न्ड, टॉस्ड एंड टर्न्ड इन हिज फीवर, अपने बुखार में वह है। टॉस का मतलब वह उछल रहा था, टर्न यानी मुड़ रहा था, कहने का मतलब इधर उधर करवटें बदल रहा था वो। हिज चीक्स, और उसके गाल वर बर्निंग, वो जल रहे थे बुखार की वजह से, गर्म हो रहे थे। एंड ही टॉक्ड एंड डेलिरियम, और वह बिल्कुल हताशा के साथ बात कर रहा था। द यंगर वन, और छोटा वाला लड़का, सेट अप, बैठ गया इन इज बेड, अपने बिस्तर में। एंड आस्क्ड इन अ वॉइस, और ऐसी आवाज के साथ पूछा, ऑडिबल ओनली टू हिज मदर, जो केवल उसकी माँ को सुनाई दे। यानी धीमे से अपनी माँ से पूछा उस छोटे बच्चे ने, मदर विल माई ब्रदर डाई, माँ क्या मेरा भाई मर जाएगा। यहाँ तक सोचने की नौबत आ गई है, भूख है, बीमारी है, बुखार है, सर्दी पड़ रही है, ऐसी विकट स्थिति में 4 दिन पहले पिता की मृत्यु हो गई है बच्चों के, कि छोटा मासूम अबोध बच्चा जो है वो कहाँ तक उसके दिमाग में आ गया है कहीं से, और वो पूछ रहा है माँ, वो क्या समझता है मृत्यु क्या होती है, कि माँ विल माई ब्रदर डाई, क्या मेरा भाई मर जाएगा। शी शिवर्ड, वह है कांप गई, बच्चे की माँ कांप गई, शिवर्ड हो गई, एज इफ मानो कि टच्ड बाय अ कोल्ड विंड, मानो कि ठंडी हवा ने उसको छू लिया हो, ऑन हर स्किन, उसकी त्वचा को ठंडी हवा ने छू लिया हो, इस तरह से बच्चे की माँ कांप गई सुन करके। शी लुक्ड एट हर सन, उसने अपने बच्चे को देखा, लड़के को देखा, विद फ्राइटेंड आईज, डरी हुई आंखों से, पूछा, व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछते हो, अर्थात तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा, ऐसी बात क्यों पूछ रहे हो कि भैया मर जाएगा क्या। बड़ा ही दुख और विडंबना भरा हुआ यहाँ पर एक वातावरण बन गया है। तो बच्चा आगे कुछ जवाब देगा, द बॉय वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, बच्चा ही एक क्षण के लिए चुप रहा। देन ही लीन्ड क्लोज टू हर ईयर, तब वह लीन यानी झुकना, अपनी माँ के कान के पास झुका, एंड सेड सॉफ्टली, बड़ा ही नाजुकता के साथ उसने धीमे से कहा, ट्राइंग टू हाइड, छुपाने की कोशिश करते हुए, हिज वॉयस, अपनी आवाज़ को, फ्रॉम हिज ब्रदर, अपने भाई से अपनी आवाज़ को छुपाने की कोशिश करते हुए, अपनी माँ के कान के पास झुका और कहा उसने, जब माँ ने पूछा ना कि क्यों पूछते हो ऐसा, भैया मर जाएगा क्या, उसने क्या जवाब दिया, बिकॉज, क्योंकि, देन फूड विल कम फ्रॉम द व्हाइट हाउस, कि तब व्हाइट हाउस से, सफ़ेद कोठी से, सफ़ेद घर से भोजन आ जाएगा। बच्चा क्या जानता है जीवन और मृत्यु को, भूख लगी उसको तो खाने की दिखाई दे रही है। ऐसे ऐसा टाइम आता है, और सभी जगह ऐसे अभावग्रस्त लोग भी होते हैं देखो, जिनकी पीड़ा इतनी विकट विकराल रूप ले लेती है। ऐसी सिचुएशन में हमारे देश के आम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि एक देश में संतुलन बनाए रखने के लिए, जो अमीर हैं वो गरीबों की मदद करें, जो सक्षम हैं वो अक्षमों की मदद करें, जो कुछ करने की क्षमता रखते हैं, ईश्वर ने कुछ करने की ताकत दी है लोगों को, वो कमज़ोर लोगों की मदद करें, जिससे कि पूरे देश में संतुलन और सामंजस्य स्थापित हो सके। तो साथियों, आप युवा पीढ़ी हो, देश का भविष्य हो, और आपकी जो मन के अंदर अच्छी भावनाएं होंगी देश में संतुलन स्थापित करने की, वो भावनाएं हमारे देश में निश्चित रूप से एक न एक दिन संतुलन स्थापित करेंगी, अमीरी गरीबी को पाट करके एक समानता, समरूपता हमारे देश में आएगी। उसी उम्मीद के साथ आज का लेसन मैं कंप्लीट करता हूँ। सी यू नेक्स्ट लेसन नंबर 7, पार्ट 7 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।